नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। विब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों हमारा घर जो होता है, हमारा ब्रह्मांड होता है, हमारा यूनिवर्स होता है, अगर हम इसकी एनर्जी को बैलेंस करके चलें, ठीक है, तो हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन जब घर की एनर्जी ही अनबैलेंस हो जाती है तो जिंदगी में परेशानी आना शुरू हो जाती है। हमारे घर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको कुछ तरीके से अगर हम बाहर करें तो हम अपने घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को घर से बाहर कर देते हैं। लेकिन इनको यदि हम गलत तरीके से बाहर करते हैं तो दोस्तों हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। जो हमारे प्लैनेट होते हैं ये अनबैलेंस हो जाते हैं। ऐसे एक प्रयोग मैं आपको दूंगा जो आपको जूतों से अपने या चप्पल से आपको करना है। दोस्तों ये प्रयोग आप घर की हर एक समस्या के लिए, मतलब कि आपकी 100 परेशानियां भी हैं तो सारी परेशानियों को मन में विचार करते हुए इस प्रयोग को आप करेंगे। दोस्तों हम जिस घर में रहते हैं ये हमारा यूनिवर्स होता है, हमारा ब्रह्मांड होता है। हम ज्यादा से ज्यादा समय अपने घर में ही बिताते हैं, 12 घंटे तो हम घर में बिताते ही बिताते हैं। तो घर की जो एनर्जी होती है ये हमें बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। आप पॉजिटिव वे में भी कर सकती है, नेगेटिव वे में भी कर सकती है। अगर आप सही तरीके से अगर इनको बैलेंस करते हैं तो आपको पॉजिटिव तरीके से अफेक्ट करेगी, और नेगेटिव तरीके से करेंगे तो नेगेटिव तरीके से अफेक्ट करेगी। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखें, अगर आप अपने शनि को, राहु को, केतु को बैलेंस करना चाहते हैं तो अपने घर की छत में कभी भी कबाड़ वगैरह कभी ना रखें। और साथ में जो कबाड़ होता है, काफी लोग थोड़े से पैसे के लिए इनको कबाड़ियों को बेच देते हैं, तो दोस्तों इससे शनि जो होते हैं अनबैलेंस हो जाते हैं। कबाड़ को कभी भी बेचे ना, आप दान कर दें इसका। जब आप दान करते हैं तो शनि आपके शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। और साथ में राहु को यदि आप कंट्रोल करना चाहते हैं कि राहु की दशा आप पे ना सताए, दोस्तों राहु जो होते हैं इंसान को अचानक से ही करोड़पति बना दे और अचानक से ही रोड़पति बना दे। और यदि राहु खराब है तो बच्चे गलत संगति में पड़ेंगे, पैसों का गलत इन्वेस्टमेंट होगा, घर में धन की बरकत नहीं रहेगी। तो आपके घर में कोई भी ऐसी बिजली वाला सामान है, इलेक्ट्रॉनिकल है जो, उसको कभी भी खराब ना होने दे। अगर बिगड़ा पड़ा है तो उसको सुधरवा लें या उसको घर से बाहर कर दें। और दूसरी दोस्तों कि मोबाइल जो होता है, काफी लोग क्या करते हैं, मोबाइल को जब सोते हैं तो अपने साथ में रख करके सो जाते हैं, इससे आपके राहु अनबैलेंस होते हैं। कभी भी मोबाइल को अपने साथ में रख करके ना सोएं, सिरहाने या आसपास रख करके ना सोएं, इससे आपके राहु अनबैलेंस होते हैं। आपका व्यापार बिजनेस में आपको घाटा लग सकता है, आपकी नौकरी छूट सकती है या आपको नौकरी ही नहीं मिलेगी। तो मोबाइल को कभी भी अपने पास में रख करके ना सोएं। और आज का जो मैं उपाय आपको बता रहा हूं इसको आप अपने जूतों के साथ में करना है। आपके घर में रोग है, दोष है, ग्रह कलेश है, शत्रु है, कर्जा है, पैसे की बरकत नहीं है या जो भी परेशानियां हैं, सारी परेशानियां सिर्फ इस प्रयोग से दूर हो जाएंगी। जानकारी पूरी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से, तेजी से प्राप्त हो जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और दोस्तों जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आपको ऐसा लगता है किसी को इस जानकारी की जरूरत है, उस तक इस जानकारी को जरूर शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों करना क्या है आपको, शनिवार के दिन इस प्रयोग को करना है। एक ही शनिवार करेंगे तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। घर का मुख्य सदस्य कर रहा है तो बेस्ट है, या मुख्य महिला भी कर सकती है। आपको शनिवार के दिन इस प्रयोग को करना है लेकिन शुक्रवार की रात्रि में आपको, ठीक है, शुक्रवार की रात्रि में अपने सिर के थोड़े से शिखा की तरफ से थोड़े से बाल काट लेने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको 20 जो उंगलियां हैं, यानी कि 10 ये और 10 पैर की, छोटे छोटे से टुकड़े नाखून के काट लें, ठीक है, और साथ में एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा ले लें। अब एक कागज में पहले बाल रखें, फिर आपको अपने नाखून के जो 20 टुकड़े लिए हैं वो रख दें और एक छोटे से फिटकरी का टुकड़ा उसमें रख दें। इसको आप बांध लें, पुड़िया बना लें और इसको काले धागे से लपेट दें। अब इसको आप क्या करेंगे, शुक्रवार की रात्रि को आपको अपने सिरहाने रख करके सोना है। रात भर सिरहाने रख करके सो जाएंगे, सुबह उठेंगे आपको नहाना है, धोना है, फ्रेश होना है, पूजा पाठ से फुर्सत हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको जो पुराने जूते चप्पल जिसे आप फेंकना चाहते हैं, ऐसे नहीं फेंक दिया करें आप दोस्तों, पुराने जूते चप्पल जो होते हैं आप लोग उठा के ऐसे फेंक देते हैं तो इससे आपके घर की एनर्जी अनबैलेंस हो जाती है। जब भी पुराने जूते चप्पल फेंकते हैं तो घर के किसी एक सदस्य का ये नाखून, बाल
और ये फिटकरी ये टुकड़े रख करके उसको सुला दें और ऐसे अंदर फेंकेंगे तो घर की एनर्जी बैलेंस रहेगी, घर के किसी भी सदस्य पे कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दुर्घटना नहीं होगी, शनि बैलेंस रहेंगे, राहु केतु बैलेंस रहेंगे। अब आप जो जूते चप्पल आपके फेंकने वाले पड़े हुए हैं घर में, ठीक है, तो सीधे उल्टा किसी में भी, इस पुड़िया को जूते में कर रहे हैं तो जूते में रख दें। अब यदि चप्पल में कर रहे हैं तो चप्पल का जो हैंडल होता है, चप्पल के हैंडल में इस पुड़िया को काले धागे से बांध दें, ठीक है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, दोनों जूते चप्पल जो है, ठीक है, उनको इस तरीके से मिला करके, अगर काला कपड़ा मिल जाता है तो काले कपड़े से इसको पूरा लपेट के और बांध दें, और चप्पल है तो चप्पल को दोनों को मिला करके उसमें काला कपड़ा बांध दें। अब यदि काला कपड़ा नहीं मिल रहा है तो काले धागे से इसको लपेट दें, ठीक है। शनिवार के दिन में इस प्रयोग को आपको करना है, सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में, सूर्य अस्त के बाद में प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। अब इसको लेकर के आपको क्या करना है, आप ये सोचेंगे कि मेरे घर की जितनी भी परेशानियां हैं, वो कर्ज की है, पैसों की है, नौकरी की है, व्यवसाय की है, शत्रु की, रोग की, दोष की, ए टू जेड जितनी परेशानियां, ये सारी परेशानियां आप घर से लेकर के बाहर जा रहे हैं, ये सोचना है आपको, शनिवार के दिन इस प्रयोग को करना है। जानकारी अच्छे से समझे दोस्तों, जैसे जिस तरीके से बता रहा हूं बिल्कुल उसी तरीके से आपको करना है, कोई भी जानकारी आपको मिस नहीं करनी है, अच्छे से समझ के फिर इस रेमेडी को आप करें। अब घर से आप निकलेंगे तो घर से जितना दूर हो सके उतना दूर जाएं, जितना दूर होगा घर से उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। कोई निर्जन स्थान देख लें, या कोई गंदा नाला देख लें, या कोई गंदी जगह देख लें, ठीक है, वहां पर जाएं। और दोस्तों जब घर से आप निकलेंगे तो आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है, किसी से बात नहीं करनी है, जब तक अभी प्रयोग करके घर वापस नहीं आते तब तक किसी से आपको बात नहीं करनी है, ठीक है। इसको लेकर के जितना दूर जाएंगे, वहां जाने के बाद में आप ये सोच रहे हैं कि घर की सारी परेशानियां मेरे हाथ में है, जितनी भी परेशानियां हैं, रोग दोष शत्रु सब कुछ मेरे हाथ में है, ठीक है। और वहां पर ले जाकर के पूरी ताकत के साथ में, जितनी ताकत लगा सके पूरी ताकत के साथ में उस चप्पल को जूते को आप फेंक देंगे, ये सोच करके कि मैं सारी परेशानियों को यहां पर अंत कर रहा हूं, फेंक रहा हूं। फेंकने के बाद में तुरंत आप घर के लिए पीछे मुड़ जाएंगे, आप पलट के नहीं देखेंगे, इस बात का विशेष ध्यान देना, अगर आप पलट जाएंगे तो सारी परेशानियां आपके पास वापस आ जाएंगी, तो पलट के नहीं देखना है, सीधे घर वापस आ जाएंगे। घर वापस आने के बाद में आपको डायरेक्टली घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है, ठीक है, हाथ पैर धो लेना है, मुंह में पानी भर करके कुल्ला कर लेना है, बाहर थूक देना है, हाथ पैर अच्छे से स्वच्छ होकर के फिर अपने घर के अंदर प्रवेश करें, फिर अपने दूसरे कार्य कर सकते हैं। दोस्तों कितनी भी बड़ी बड़ी परेशानियां होंगी आपकी, आप इस प्रयोग को जितने जूते, जब भी जूते चप्पल फेंकें तो ये प्रयोग करके फेंकें, दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में पैसों की बरकत होगी, कर्ज की समस्या दूर होगी, दुश्मनों की समस्या दूर होगी, रोग दोष की समस्या बहुत दूर होगी, किसी भी काम में अड़चन आती है, वर्षों से काम रुके हुए पूरे नहीं होते, वो काम पूरे होना शुरू हो जाएंगे, आपका बिजनेस वगैरह नहीं चलता, बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा, ए टू जेड दोस्तों सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएंगी, और साथ में आपके शनि राहु केतु आपके बैलेंस हो जाएंगे, घर की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। दोस्तों हमें जानकारी ना होने के कारण हमारे घर की एनर्जी अनबैलेंस हो जाती है, लेकिन मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, तो जब भी जूते चप्पल आप फेंकें तो इसी तरीके से फेंकें। दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लगना इसमें, लेकिन अब जब परेशानियां जब आती हैं तो हम कितना समय वेस्ट कर देते हैं और साथ में संघर्ष करते हैं, और ये क्रियाएं करने लगेंगे तो हमारी जिंदगी में परेशानी आएगी ही नहीं, खुशियां बनी रहेंगी, घर में शांति रहेगी। तो ये प्रयोग दोस्तों करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली, आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।